देश के सबसे सफल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हाल ही में नाना बने हैं। उनकी बेटी ईशा ने 19 नवंबर को अमेरिका में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसके एक महीने बाद ईशा अंबानी 24 दिसंबर को मुंबई लौटी हैं। बच्चों का ख्याल रखने के लिए अमेरिका से ही 8 ट्रेंड नैनी भी उनके साथ आई हैं, जो बच्चों के साथ भारत में ही रहेंगी। बच्चों को सकुशल भारत पहुंचाने के लिए अमेरिका के सबसे अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिब्सन भी ईशा अंबानी के साथ ही आए हैं। बेटी और उनके बच्चों के घर आने से पूरा अंबानी परिवार खुश है। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने अपनी बेटी और नवजातों का धूमधाम से स्वागत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर फ्लाइट के जरिए ईशा अंबानी भारत वापस लौटी हैं। ईशा अंबानी का स्वागत करने के लिए अंबानी और पीरामल परिवार के कई सदस्य एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईशा और उनके बच्चों की पहली झलक भी लोगों को देखने को मिली। मुकेश और नीता अंबानी अपनी बेटी और नाती नातन को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चे को नीता अंबानी की बाहों में देखा गया, वहीं दूसरा बच्चा ईशा अंबानी की बाहों में था। बताया जा रहा है कि ईशा अंबानी के घर करुणा सिंधु और अंबानी परिवार के एंटीला में बच्चों के आराम के लिए एक खास तौर पर नर्सरी तैयार की गई है, जिसे पर्किंस एंड विल ने डिजाइन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बच्चों के आने की खुशी में अंबानी परिवार ने ईशा अंबानी के वर्ली स्थित घर करुणा सिंधु में रविवार को विशेष पूजा रखी है। इसे लेकर भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। विशेष पूजा के लिए देश के कई स्थानों से पंडितों को बुलाया गया है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि देश के बड़े मंदिरों जैसे तिरुपति बालाजी, तिरुमाला, श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा और श्री द्वारकाधीश समेत अन्य जगहों से आया स्पेशल प्रसाद इन कार्यक्रम में आए मेहमानों को परोसा जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि अंबानी परिवार बच्चों के नाम पर 30 किलो सोना भी दान करने वाला है। आपको बता दें कि 2018 में ईशा अंबानी की शादी पीरामल ग्रुप के आनंद पीरामल से हुई थी। ईशा और आनंद के जुड़वा बच्चों में से बेटी का नाम आदिया और बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने ईशा अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल कारोबार की कमान सौंपी थी। साल 2014 में ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल और जियो के बोर्ड मेंबर में शामिल किया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।